तो राम राम जी, नमस्कार दोस्तों। उम्मीद करता हूँ आप सभी बहुत अच्छे होंगे। और जैसा कि आज आप सब लोग थंबनेल में देख के आए हो कि जोजबुल कैसे क्लियर करें, इसके टिप्स ट्रिक्स प्लस गेट हाई किल्स, हर गेम अच्छा निकाल सकते हो यार। क्यों, जोजबुल एक बहुत ही तगड़ा होड्रोप होता है, तो इसके मतलब गेम प्ले तो है ही। गेम प्ले के थ्रू वाइज ही उसके थ्रू मैं बताऊँगा गेम प्ले। आप इंजॉय करो हाई किल्स का गेम प्ले, फुल मज़ेदार अच्छा इंटेंस फाइट हुई है, वो सारी चीज़ें तो रहेंगी ही। बस आपको मेरा मोटिव है बताने का कि कैसे क्या करना है। देखो, आप कंटेनर के ऊपर उतरते हो, आपके मेरे साथ कंटेनर पे ऐसे सोचो यार, नीचे जाओ साइड में। जोर्जपुल एक इस टाइप से बनाया गया है, इसमें अगर आपको ऊपर का नहीं मिलती तो नीचे मिलने के चांसेस 200% हो ही जाते हैं, हर बार मिल ही जाती है, ऐसी कोई दिक्कत है नहीं। ये मतलब हमेशा ट्राई करो। अब आप कहो गया अरे क्या नोबड़ वाली भाई, धीरे धीरे मैं जैसे जैसे मैं मैथ के हिसाब से बताऊंगा, ये मत सोचना कि अभी सब कुछ एकदम मतलब बता के फिर मैथ स्टार्ट, ऐसा नहीं। अब ये बंद, इसको क्या लगा कि इसको मैं दिखाऊंगा, बट ये मेरे को दिख चुका था। आपको हमेशा अगर ऐसे कोई आपके सामने पीपीपी ले और आपको दिख जाए, हमेशा भाई कुछ बंदे क्या करेंगे वहाँ से वैसे डायरेक्ट ही मतलब नीचे गिर जाएंगे, वहीं से ऊपर से और वहाँ से लगाओ एक तकड़ा जंप, मतलब ऐसा जंप कि थोड़ी सी आप उससे दूर चले जाओ, क्योंकि बंदे का एम एक बार हिल गया और यार आपका एम स्टिक है ना भाई, बंदा कुछ भी नहीं कर सकता यार। आपको पता है फायरिंग, जिसकी गोली पहले चली जिसको पहले लगी वो मरेगा, मतलब एमिंग और ये सारी चीज़ें बहुत मैटर करती हैं। हमेशा इस चीज़ को फॉलो करो और आप मतलब क्या है कि कभी मतलब कुछ, देखो यार एक अच्छा गेम प्ले निकालना है तो आपको हेडफोन मतलब ऐसे नहीं वो अच्छे वाले बहुत महंगे वाले ईयरफोन हेडफोन कुछ आपको जरूरी है, क्योंकि यार साउंड सेंस पक्षी के अंदर बहुत ज़रूरी है। सोलो स्कैड में तो बहुत ही ज़्यादा, मैं तो सोलो स्कैड मतलब ऑफ टीम का बहुत ज़्यादा मतलब टीम के साथ ही खेलता हूँ, वैसे मैं सोलो स्कैड ही खेलता हूँ। हेडफोन जरूर पहन के खेलो, उससे साउंड सेंस का पता लगेगा बंदा किस साइड से आ रहा है किधर से नहीं आ रहा। अब आगे जैसे जो मैच चलता जाएगा, मैच के एंजॉय तो लो ही यार, हाई किल्स का गेम प्ले फुल तबाही, 27-28 किल्स होंगी मेरी गेम के अंदर, तो मतलब काफ़ी अच्छे से मैं आप सभी को चीज़ें एक्सप्लेन करने वाला हूँ। तो यहाँ पे देखो एक बंदा था, इसको मैंने बट उसने मेरे को सिर दिखा दिया। अब वो सिर दिखाता तो मेरे को क्या लगता है वो शायद कंटेनर्स के थोड़ा सा पीछे हो, बट उसने सिर दिखा दिया। गलती कभी ना करें, आप खुद टी पी पी ले रहे हो ये ध्यान रखो, अगला टी पी पी नहीं ले रहा, इसका मतलब उसको हर चीज़ अच्छे से दिख रही है, आपको शायद कुछ चीज़ें दिख रही हैं कुछ ना भी दिख रही हैं। तो यहाँ पे मैंने क्या किया, फ्री फायर दी और वहाँ पे उसको मारा। इनका जो लास्ट बंदा जो इस पैड का था वो यहाँ पे आ चुका था। अब इसका क्या सीन है, ये देखो इसको मैं दिख चुका हूँ, इसने मेरे को देख लिया, मैंने इसको देख लिया, इसको क्या लगाई थी और मैं देख थी। यहाँ पे मैंने मतलब थोड़ा सा दिमाग लगाया, क्योंकि ये बंदा आपको पता है कि पॉइंट कुछ टाइम लगता है, बट मेरी गन पहले मैं ऊपर ही रहता है तो शायद क्या पता है मेरे को एक गोली मार भी देता, बट मैं जैसे नीचे जम किया क्योंकि इसने पहले तो 1-2 सेकंड इसको लगी इसकी गोलियाँ निकाली, तो वो एम जो होता है मैं नीचे जम कर गया तो एम भी इतना अच्छा नहीं था। इन सब चीज़ों का ध्यान रखो, जो स्कूल आप हर टाइम अच्छे से क्लियर कर पाओगी। सबसे बड़ी दिक्कत क्या होती है, वो सिर्फ देखते हैं एनालाइज नहीं करते, उनको नहीं पता नीचे कितना क्या हो रहा है, क्योंकि टावर वाले वैसे तो देखो बहुत ही ज़्यादा एडवांस हो चुके हैं, क्यों ज़्यादा ऊपर बैठे एडवांस हो चुके हैं, जब चढ़ जाते हैं तो एडवांस वो ऊपर नीचे हो, तो इनका उनको बेनिफिट रहेगा ही रहेगा हमेशा। से आगे इसको तो कोई चक्कर नहीं है, ये तो आप कभी मार सकते, नीचे वाले के नहीं टावर वालों की बातें कर रहा हूँ। टावर वालों को मारने के लिए हमेशा एक स्टिक, हमेशा एक ही मतलब पिक हार्ड पिक करके मत बैठो, क्योंकि रीजन क्या है, टावर मतलब अगले टावर पे चढ़े तो इसका मतलब उनके पास गन अच्छी है, वो एक शॉट वाली क्या पता बोल्ट एक्शन स्नाइपर लिए बैठे हो या कुछ भी लिए बैठे हो, और ये गाड़ी की तरफ, बट मैं बीच में इनको देख लेता हूँ, इन्होंने शायद कोई बोट मारा उसकी जिससे मेरे को इनकी फायरिंग सुनाई दी, मेरा फोकस हो गया इनके ऊपर भी। तो यहाँ पे अब आते हैं अपने वहीं वापस जो कंटेनर्स वालों पे,
यहाँ पे देखना बहुत कुछ सीखने को मिलेगा आपको, मैं इनको किस टाइप से ख़त्म करता हूँ, कैसे क्या करता हूँ। देखो मैं आ गया इसके नीचे, आप एक बात है, कभी भी जल्दबाजी मत करो, वेट कर लो 2 मिनट का, 3 मिनट का, क्या दिक्कत हो गया। गेम 40 मिनट का है तो 40 मिनट में ख़त्म होगा, 35 का। अगलों को गलती करने दो, खुद कभी गलती मत करो। यहाँ पे जैसे देखो इस नीचे वाले, नीचे जो बंदा आया, ये जो गिरा, मेरे को पता था ऊपर वो ऐसी जगह पे बैठा था, बीच में से ना बहुत बार गिरता था। उंगली हमारे नहीं कर रहे थे, तो अपनी फाइट कुछ ले रहे थे, जो बोट्स को मार रहे थे, बट बीच में बेचारे गलती से मेरे हत्थे चढ़ गए और मर गए। अब देखो बंदे को कभी ख़त्म मत करो नॉकआउट करके, अगर आपको पता है टावर के आसपास है, क्योंकि वो नीचे है जो दूसरा बंदा जो आपने नॉकआउट किया है, और अब है ऊपर वाला। देखो अगर ऊपर आप नॉकआउट करते तो ये था कि नीचे वाले को ऊपर जाना पड़ता, तो उसको आप आसानी से किधर से मार सकते थे। अब उसको नीचे आ, हर एक के टीममेट सभी के एक जैसे होते हैं, चाहे कोई कितना अच्छा दोस्त हो, वो अगर आप नॉकआउट हो जाते हो तो दूसरा भाई, मतलब आप खुद भी अंदाज़ा लगा के देख लो, आप अपने टीममेट्स को क्या कहोगे, भाई मेरे को बचा लो, या जो भी कहोगे आप। और यहाँ पे कुछ बोर्ड्स की फाइट हो रही थी, अब इनके लिए वगैरह कुछ बताने की ज़रूरत नहीं है, आप आसानी से कर सकते हो। अब देखो जैसे मैंने जोर्जबुल अभी क्लियर किया है, और मेरी अराउंड जोर्जबुल में 13 किल्स हो गई, ये दो तो भाई मतलब नमूने रनिंग हेडशॉट खा के मरा है, ये तो अल चीज़ होगी, बट 13 किल्स हो गई यार एक जोर्जबुल, मतलब एक जगह से आप निकल के 13-14 किल्स लेकर निकलोगे, मैच हर मैच अराउंड 20 किल्स का जाएगा ही जाएगा। मुझे यार थोड़ी सी कार फाइट देख लो, ये भी यहाँ पे गलती, देखो खुद गलती कभी मत करो, मतलब ये नहीं कि गाड़ी रोक के खड़े हो, गाड़ी कभी मत रोको, अगर कहीं से निकाल सकते हो निकालो, बट इस बंदे ने यहाँ पे यही गलती कर दी, गाड़ी रोक लिया, क्या पता तेल खत्म, गलती भी कभी मत करना। पूरा स्कोप लगाया दोस्त वगैरह लूट लिया था बीच में, फिर यहाँ पर मैं बग्घी चेंज करने आया था, और मेरे को दिखा एक यहाँ पे मतलब नॉकआउट पड़ा बंदा, किसी ने नॉकआउट किया है पता नहीं कैसे, तो ये फ्री की किल्स लेना कभी मैं छोड़ो गेम के अंदर, क्योंकि यार ये और ये क्लच आपने स्टार्टिंग में, वहाँ पे तो आपने सिर्फ क्लच देखा था, यहाँ देखो मैंने कैसे अच्छे अच्छे मतलब थोड़ी भाग गया, गोलियाँ तो लगी उसकी वजह से, बिल्कुल हो तो चुका था ये बिल्कुल लो, बट वही है गेम तो करी लगा इतनी देर में इधर उधर, यहाँ पे पूरी स्क्वाड की मेरी भी कहीं खत्म ना हो जाऊँ, क्योंकि यार कंटेंट भी बनाना था, प्लस आपको टिप्स ट्रिक्स भी देने की, गेम प्ले अच्छा जा रहा था। तो ये आ गया ऊपर, मैं आया ऊपर, तो ये यहाँ से निकल भाई, वहीं पे मत रहो, वेट मत करो, अगला आएगा जाएगा क्या करेगा। और यहाँ पे मैंने प्री नेट करके फेंक दिया, मतलब इसको रिवाइव करने को जाएगा, या इसका कोई टीममेट नीचे ऊपर, या ऊपर क्या पता अंदर बैठा उस कमरे के अंदर, साइड में छोटा सा कमरा होता है उसमें घुसा ही नहीं, पूरी मेरी नेट से मैंने प्री नेट 3-4 कर दिए ऊपर, मतलब डैमेज तो हुए ही हैं, घर वाले घर में ना भी हुए हैं। यहाँ पे आप देखो बंदा जो एक ऊपर बैठा था, उस कमरे में बैठा था छोटे में, हमेशा एक जगह मत बैठो, अगर आपके पास कोई स्क्वाड रस कर रही है या आप भी किसी स्क्वाड पर रस कर रहे हो, तो एक जगह कभी भी मत बैठो, ये हमेशा ध्यान रखना, एक जगह कभी भी नहीं बैठना, क्योंकि ये बहुत ही ज़्यादा मायने रखता है, मैटर करता है आपके साथ क्या हर किसी के साथ करता है। और यहाँ पे जो लास्ट बंदा था वो उधर वाले घर में आने की मतलब नाम ही नहीं ले रहा था, तीनों कह रहे हो कि भाई बचा ले, मैं नहीं बचाऊंगा, मेरे को मेरी ज़िंदगी भी आ रही है, बट वो भी मर गया। अब देखो मेरी 22 किल्स हो चुके हैं, 7 बंदे भी लेंगे, मैं इधर आया और हमेशा मूव एंड शूट करके भी फायरिंग करने की कोशिश करो, मतलब हमेशा ये लोंडा आ रहा है शूट में पहन के, ये पूरे चौड़े में आ रहा है, मतलब इसको लग रहा है कि भाई मैं ही भगवान हूँ, बट भाई थोड़ा सा हम भी हैं। और इधर देखो उनका चटका कैसे पड़ता है, ये ड्रॉप लूट के साइड लोंडा वहीं बैठ मतलब बैठा था, या अपने टीममेट्स को कह रहा था भाई मैंने ड्रॉप लूट लिया, लूट लिया इसको, तो चलो छोड़ते हैं। और मैं इसको जैसे मार रहा था, तो मेरे पे M24 का शॉट आता है, मतलब M24 का शॉट आता है, तो यार थोड़ी सी दिक्कत हो ही जाती है, कहीं मेरे को भी हेड लगे से। तो देखो यहाँ पे आया मेरे को एक M24 का शॉट, तो इधर इन घरों से आया था, तो मैंने अंदाज़ा लगाया यही होगा कहीं ना कहीं, हाँ बना, और वो सिर्फ टकला दिखा, टकला दिखा तो वही है भाई,
अगर आपके पास ए डब्ल्यू में है तो हमेशा हेड लेने की कोशिश करो। अब बिग स्टिचिंग का जो जोर थी वो खत्म हो चुकी थी, अब तो बस वैसे ही कोई जोर नहीं है। हम अपना ए बी का जो लेयर ये काफ़ी तकड़ा जा रहा है, मतलब 28 में यार, मतलब कहा ही बताऊँ मैं। तो यहाँ पे लोंडे मैंने नॉकआउट तो कर ही दिया था, वही उसका दूसरा या तो रिवाइव करा हुआ है अभी, बट मार के चले जाएंगे। अब यहाँ पे लास्ट बंदा मैं जा रहा था और इधर ही मेरे को लेट कर दी थी, मेरे हाथ में मैंने इसको मार दिया पट से। एपिसोड